HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। दिल्ली मेट्रो पहली बार आपस में टकराई। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो पहली बार टकरा गई। यह हादसा जनकपुरी बॉटनिकल गार्डन लाइन पर हुआ, जहां दो ट्रेनों की टक्कर हुई। अच्छी बात यह है कि इस लाइन पर अभी ट्रायल चल रहा है, जिस कारण जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये एक्सीडेंट शुक्रवार को हुआ था। जनकपुरी बॉटनिकल गार्डन लाइन द्वारा मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा था। इसी दौरान एक मेट्रो कलिंदी कुंज डिपो में जा रही थी, तभी दूसरी लाइन पर एक और मेट्रो डिपो की तरह आ रही थी, जिससे दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई। मेट्रो ट्रेन में इस पहले भी एक बार लापरवाही हो चुकी है। जहांगीरपुरा और हुडा सिटी सेंट्रल रूट पर मेट्रो खुले दरवाजे के साथ चल चुकी थी। मेट्रो के अधिकारियों ने मामले की जांच की और आदेश दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक एक मेट्रो को कॉलिंग माफ रुकने वाली जगह पर रुकने के लिए बोला गया था और उसको सिग्नल भी दिए गए थे, लेकिन वह कॉलिंग माफ को पार कर गई, जिसके कारण दो ट्रेन आपस में टकरा गई। मेट्रो अधिकारियों को कहना है कि प्राथमिक जांच ले जा सकता है कि रोटेम कंपनी के लोगों की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है।